हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सेंगर फैमिली ब्लॉग में। और ये देखिए, अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 10 और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं सब्ज़ी, और आज सब्ज़ी बना रही हूँ मैं आलू गोभी की। वैसे गोभी मुझे बहुत कम ही पसंद है, लेकिन ये पहली बार आया हुआ है, इस सीज़न का पहली बार है अभी, तो बना ले रही हूँ मैं यहाँ पर सब्ज़ी। और गोभी की सब्ज़ी में ना थोड़ा सा मसाले ज़्यादा ही होने चाहिए, तभी मुझे अच्छी लगती है। वैसे तो सिंपल सी और भी नहीं अच्छी लगती। और यहाँ पर कलर के लिए मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ कश्मीरी मिर्च, इससे क्या है ना कलर अच्छा आ जाता है, इसीलिए बहुत थोड़ा सा ही डालूंगी। और इस बार मैंने मसाले डाले हैं घोल के, और थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ मैं कि अच्छा टेस्ट आ जाए। और टमाटर था नहीं मेरे पास में, तो बस यही सब कुछ जितना भी है डाल देंगे। और आज बहुत जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ मैं, क्योंकि 1 बजे मुझे एलवी भी करनी है और मार्केट भी आज जाना है, इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं। और फ्रेंड्स, मेरी एलवी में बिल्कुल भी लोग नहीं आते हैं, तो प्लीज़ आया करो। रात में 9 बजे मैं अपनी एलवी करती हूँ, डेली करूँगी, और फ़िलहाल तो अभी यही टाइम है। अगर चेंज करूँगी तो फिर आप लोगों को बता दूँगी। और यहाँ पर ये देखिए, बातें करते करते बन गई हमारी सब्ज़ी। और फ्रेंड प्लीज़ मेरी मदद करिए, आप लोग सपोर्ट करिए, मेरा इतना सपोर्ट किया है, थोड़ा सा और करिए। और एलबी में ज़रूर समय दीजिए अपना, मुझे पता है समय सबके पास एक बहुत कीमती है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर आएंगे हमारी एलबी में, और मेरा सपोर्ट करिए। और यहाँ पर ये देखिए, साथ ही साथ ये पालक आई हुई थी ना, इसको भी मैं काट के धुल के रख दूंगी शाम को। इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। शाम के लिए मैंने तैयार करके रख लिया है, इसी का कुछ बनाएंगे। तो बस यहाँ पर काट ले रही हूँ मैं पालक, लगे हाथ इसको भी काट के रख दूंगी मैं। वैसे अभी इसका कुछ नहीं बनाना है मुझे, लेकिन बस रख दिया मैंने काट के, और धुल देंगे। और काटने के बाद ही मैं धुलती हूँ, क्योंकि ऐसा है ना, मुझसे धुल दो फिर अच्छे से बन नहीं पाता है। और ये देखिए, मैं किस में रख के काट रही हूँ ना, ये रोटी बेलने वाला चकला है, क्योंकि मेरे पास वो है नहीं, इसी में मैं अपना काम चला लेती हूँ, आराम से हो जाता है। और ये देखिए, गए थे हम जहाँ से आरओ का पानी आता है ना, ये वहीं पर है, वहीं की क्लिप है ये। ये देखिए, ये अंगूर की बेल है, और मैंने मतलब अपने सामने पहली बार ये अंगूर की बेल देखी हुई है। वैसे मैंने देखा है टीवी वगैरह में देखा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं देखा था फेस टू फेस, तो आज मैंने देखा। मुझे लगा आप लोगों को भी दिखाना चाहिए, तो मैंने बस थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। और ये नीचे से एक ही पौधा है, और इतना सारा छैला हुआ है ना, जिनका ये घर है वो बता रहे थे कि इसमें कम से कम 8 से 10 कुंटल अंगूर लगता है, एक पेड़ है ये सिर्फ। और ये बस ऐसे ही बना रखा है। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने कानपुर, और ये है गंगा जी का पुल, इसको पार करके उस साइड जाना है हमको। तो बस यहीं से मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था। और ये देखिए, ऐसा लग रहा है ना जैसे बहुत कोहरा जैसा गिर रहा है। अभी दोपहर है, 2 बज रहे हैं, फिर भी ऐसा मौसम लग रहा है गंगा जी के किनारे। और अनिका को लेके नहीं गए हम, अनिका को छोड़ दिया घर पे, और बाबू है अनिका के पापा, और हम तीन ही लोग गए थे। और धूप बिल्कुल भी नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत जनवरी या दिसंबर या जनवरी वाला सीज़न जैसा लग रहा था। और यहाँ पर बाबू बोल रहा था हम गोलगप्पे खाएँगे, तो ये देखिए बस इसको खिला रहे हैं गोलगप्पे। और ये वैसे पानी वाला तो खा नहीं पाता है, बस मीठी चटनी डलवा दी इसके लिए, यही खा लेगा ये, इसको गोलगप्पे बहुत ज़्यादा है पसंद हैं। और फ्रेंड्स, शॉपिंग करने गए थे, लेकिन वहाँ पर हम कुछ नहीं लेके आ पाए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि संडे को मार्केट बंद रहती है। जैसे ही हम लोग गए ना, दिखाया अभी मैंने वीडियो में, बहुत कम ही दुकानें खुली हुई थी और मार्केट पूरी बंद थी, इस वजह से फिर हम वापस चले आए। जो हमें लेना था वो कुछ मिला नहीं वहाँ पे, और फिर देखते हैं किसी दिन जाएंगे, और आज तो कुछ मिला नहीं है, तो अभी जाते हैं घर।
तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब